सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लैंडिंग और ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी 50 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा फाइनेंशियल कंपनियों को ये अपनी सेवाएं देते हैं और प्रोडक्ट्स के जरिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर करीबन करीबन हर रोज दिन के 2.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लेने कि कितने लोग इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं न्यूक्लियस के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विष्णु दुसाद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जो फाउंडर तो हैं, आपने IIT दिल्ली से बीटेक किया है, एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपने 1983 से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पूरा डेवलपमेंट अपनी आंखों से देखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंस और बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह की प्लानिंग का सर का लंबा गहरा अनुभव है। सर आपसे सवाल पूछूं उससे पहले तो सबसे पहले आपको एक चीज की बधाई देना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में हिंदुस्तान की धरती पर इसका डेवलपमेंट आप वन ऑफ द फर्स्ट है जिन्होंने इसकी शुरुआत की। आज लगभग 30 साल पूरे हो चुके हैं इस बात को। तो सर ये हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर क्रांति जो आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। सर धन्यवाद अनिल, ये वाकई में आपने इसको समझा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ आज भी बहुत कम बन रही है और हमारी कंपनी ने 30 साल पहले उस दिशा में अपना काम शुरू किया और उसकी वजह से हमारे जो बाहर फॉरेन एक्सचेंज जाता था और जाता है अभी भी काफी सब्सटेंशियल मात्रा में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज बहुत हमने बचाया है देश के लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप के एप्रिसिएशन के लिए। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान में न सिर्फ आपने बचाया बल्कि जो बनाया है और हमारे जो लगभग 600 बिलियन डॉलर के बड़े रिजर्व हैं उनमें हमारी देश की आईटी कंपनियों का बड़ा योगदान है। अच्छा सर, अब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जो पिछले नतीजे आए तो बड़े दमदार दिखे, 14 फरवरी को आपने नतीजे पेश किए थे, आय 30% बढ़कर आई, कामकाजी मुनाफा 6.5 गुना बढ़ा है, मार्जिन 5 से 25% और मुनाफा 3.5 गुना 11 करोड़ से 38 करोड़। और उसके बाद आपने अपने जो इन्वेस्टर्स अर्निंग्स कॉल्स में आपने ये भी कहा कि हमें लगा कि एक बार की परफॉर्मेंस है, बढ़िया ये क्वार्टर, कुछ न कुछ कंपनी ने बड़ा कमाल किया होगा, लेकिन आपने कॉल में ये कहा कि नहीं, ये एक बार की नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। जरा इसको विस्तार से समझाएं, क्या कुछ बदल रहा है आपकी कंपनी के लिए जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे भी इस तरह की दमदार परफॉर्मेंस रहेगी। शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के लिए। इसके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहूंगा हमारे बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि बहुत डिफरेंट है बाकी की हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखिए, ये हम जैसे मैंने कहा कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस इस तरह से होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने में और फिर उसको बेचते हैं आप अपने ग्राहकों को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफी समय तक करते रहेंगे आप, उसके बाद वो बिकना शुरू होता है। ये एक मेन चीज हमको समझना होगा, उसके बजाय इसके कि हमने आज कुछ लोगों को कहीं किसी काम पर लगा दिया और उनका हमको उससे रेवेन्यू आना शुरू हो गया, ये उस तरह से नहीं चलता। बाकी की इंडस्ट्री उस तरह से चलती है, हमारे केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले केस में पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर वो मार्केट से हमको रिस्पांस आता है। तो इस तरह से हम 30 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ इसमें ऐसा कि हम इतने लगन से लगे हुए थे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने में कि किस तरह से किस रेट पे हमको चार्ज करना चाहिए इस पर हमारे पास हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। हमको बस बनानी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसलिए हमारा जो सर्विसेज का बिजनेस था उस सर्विसेज के बिजनेस से भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिजनेस को सालों साल तक हमने सब्सिडाइज किया। तो ये लगभग 20 साल तक हम सब्सिडाइज करते रहे हैं और उसके बाद जब हम जब ये पिछले साल जब एकदम वो जो आपको याद होगा द ग्रेट रेजिग्नेशन आया, तो उस दौर में हमने देखा कि एक वजह हमारी ये भी है कि हम
हमारे ग्राहकों से जितना हमारा बनता है, जो जितना हमारे कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं, उसका एक दशमलव भी, मतलब उसका दसवां भाग भी नहीं हम चार्ज कर पा रहे हैं हमारे जो रेट्स हैं। तो धीरे धीरे फिर हमने हमारे ग्राहकों के पास जाना शुरू किया, उनको समझा रहे हैं, हम अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, उनको हम समझा रहे हैं कि अभी तक जो हम जिस रेट्स पर उनको दे रहे थे हमारा सॉफ्टवेयर, उस रेट्स पर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये जब हम ये समझा रहे हैं, तो कुछ तो हमारे ग्राहकों ने बिल्कुल उनको बात समझ में आ गई, क्योंकि वो और लोगों से भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उनको उनको सॉफ्टवेयर की क्या वैल्यू है उनको समझ में आता है। और कुछ लोगों को अभी हमको समझाने में समय लग रहा है। तो अब हम मैंने ये लंबा जवाब इसलिए दिया कि आपने पूछा ये वन टाइम है या आने वाला है। तो इसमें क्या है कि हम समझा रहे हैं, मतलब लगातार इस तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि ये समझाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीरे वाली है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई गलत मीनिंग नहीं निकालें हमारे हम जो जो रेट बढ़ाकर मांग रहे हैं उसका कोई गलत मीनिंग नहीं निकालें। तो जी इसलिए ये हम हमको पूरा वैसे विश्वास है कि ये होगा, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर होता रहेगा क्या, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कौन से ग्राहक को कब समझ में आता है, ये वो थोड़ी सी उनकी उनकी क्या मजबूरियां हैं उस पर निर्भर करता है। जी तो हम कॉन्फिडेंस है हमको, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसे सर्विसेज कंपनीज में होता है, वैसे इसमें शायद नहीं हो। ठीक बात है। विष्णु सर, एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ग्लोबल डिमांड को लेकर, क्योंकि एक और जहाँ दुनिया भर में रिसेशन के खतरे, मंदी, स्लोडाउन की बातें हो रही है, और उस वजह से थोड़ा हमारा आईटी सेक्टर दबा हुआ भी लग रहा था। ग्रेट रेजिग्नेशन के बाद अब ये हालत है कि शायद थोड़े लोग हायरिंग भी कम कर रहे हैं। ये बताएं सर, कैसे डिमांड आपको दिख रही है बाहर से? क्या कुछ फर्क है, कमी है, या फिर अब स्टेबल होता दिख रहा है माहौल? देखिए हमारा जो है वो नंबर्स बड़े बहुत ही कम हैं, तो इसलिए हमारी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिमांड कम होने से ज्यादा होने से बहुत ज्यादा वो, मतलब ग्लोबल जो हेडविंड्स की बात करते हैं हम, हमारे नंबर्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा इस समय कि हमारे लिए, वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि काफी मतलब रिसेशन आने वाला है, मतलब अभी आप बात कर ही रहे थे, तो उसका हमारे कंपनी के कामकाज पर कितना असर होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। बात है तो ज्यादा आपके असर फिलहाल ज्यादा है भी, और अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स पर और आगे बिजनेस आउटलुक पर हमारे दर्शकों को